हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीवर कैंसर के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या फिर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर कैंसर इज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब HCC वाला जो कैंसर होता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये बहुत कॉमन टाइप का होता है। इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं वेट लॉस विदाउट ट्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि वेट लॉस हो रहा है, पेशेंट का वजन घट रहा है जबकि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, ना ही वो डाइटिंग कर रहा है, अच्छा खा रहा है, और ना ही वो एक्सरसाइज कर रहा है, ना ही वो वजन घटाना चाह रहा है, बट उसका वजन ऑटोमेटिक घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जबकि उसने अपनी जांच भी करवाई हुई है। वजन घटाने वाले में कौन कौन सी जांच करवाते हैं मोस्टली, कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है, पेशेंट को थायराइड वाली कंडीशन तो नहीं हो रही है, उसके यूरिन में कोई प्रोटीन वगैरह तो नहीं जा रही है, तो इस तरह की जाँचेज हो गई हैं, बट पेशेंट की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो रही है, उसका वेट घटता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में और भी समस्याएं पेट के अंदर हो सकती हैं, लेकिन ये एक सिम्टम है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए कि आपने अगर ये वाली जांच करवा ली है तो आपको अपनी लीवर की जांच भी करवा लेनी चाहिए, CT स्कैन या MRI का आपको करवा लेना चाहिए। तो आपका वेट लॉस हो रहा है विदाउट एनी ट्राइंग, ठीक है, बिना मेहनत के आपका वजन घट रहा है। सेकेंड सिम्टम की बात करते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख की कमी होने लगी है, जो पेशेंट है उसको भूख की कमी होने लगी है। अपर एब्डोमेन पेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अपर एब्डोमेन पेन का मतलब है हमारा जो लीवर वाला पोर्शन है, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, वहाँ पे पेशेंट को दर्द रहने लग जाता है। और वो दर्द कैसा होता है कि खाने के बाद तो मोस्टली केसेस में बढ़ता है, ठीक है, पेशेंट अगर खाली पेट है तो थोड़ा उसको अच्छा फील हो रहा है, बट वो कुछ खा रहा है तो उसका पेन बढ़ रहा है, ठीक है। पेन की जो टेंडेंसी होती है वो ऐसा नहीं होगा कि जो बहुत सीवियर वाला पेन होगा, बहुत तेज वाला दर्द होगा, ऐसा वाला नहीं होगा। पेन जो होगा वो हैवीनेस वाला होगा कि कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, भारीपन वाला पे उसको पेन होगा, ठीक है। अगला है दोस्तों इसमें नोज एंड वॉमिटिंग, कंडीशन डिपेंड करती है पेशेंट की नोज एंड वॉमिटिंग की, भाई उसको वॉमिटिंग कैसी वॉमिटिंग हो रही है, कितनी वॉमिटिंग हो रही है, वो डिपेंड करता है उसकी क्या लीवर की स्टेजेस हैं और कितना उसका लीवर ख़राब हो चुका है, उसका कैंसर कितना स्प्रेड हो चुका है, क्या कैंसर की वो मेडिसिन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। तो वो सारी जो ये जो दो सिम्टम है ये उसी के ऊपर डिपेंड होता है। नोजिया सेंसेशन, मतलब बिना खाए पिए भी उसको मितली वाली सेंसेशन हो रही है कि उल्टी आएगी और उल्टी आएगी, इस तरह वाली सेंसेशन को नोजिएट सेंसेशन बोलते हैं। तो वॉमिटिंग इसमें किसी भी तरह की हो सकती है। जनरल वीकनेस एंड फैटीग, जनरल वीकनेस मतलब पेशेंट कमज़ोर होता चला जाएगा, खाना पीना ठीक है बट वो पेशेंट कमज़ोर हो रहा है, या फिर खाना पीना आपका आपसे नहीं खाया जा रहा है और आपके पेट में भी दर्द है और आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस वाली हुई है, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थक रहे हैं आप, तो ऐसी ऐसे सिम्टम भी आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। एब्डोमिनल स्वेलिंग, ठीक है, SIT कंडीशन इसको बोला जाता है, SIT कंडीशन इसको बोलते हैं, उसका रीज़न है कि पेट के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है या तो आपको लीवर सिरोसिस हो रही हो या फिर आपको लीवर कैंसर वाली कंडीशन हो रही हो, तो उस केस में भी हम देखते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी यूरिन आउटपुट कितनी है, क्या आपको कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और क्या आपकी लीवर की स्थिति है, कितनी सेल्स हैं उसकी डैमेज हो चुकी हैं, कितने परसेंट आपका लीवर डैमेज हो चुका है, तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको स्वेलिंग कैसी आ रही है। येलो डिस्कलेशन ऑफ स्किन एंड वाइट ऑफ योर आइज जॉइंडिस, तो और सिम्टम आते हैं दोस्तों इसमें जॉइंडिस वाले, पीलिया वाले के पेशेंट को, पीलिया में जो जो लक्षण आते हैं वही सिम्टम देखने को मिलते हैं कि पेट में भारीपन है, येल्लोइश कलर की स्किन हो गई है, टंग येल्लो हो गई है, और स्टूल देखते हैं मतलब मल देखते हैं तो भाई इसमें व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का स्टूल आ सकता है, मोस्टली केस में देखते हैं तो व्हाइट कलर का स्टूल आता है। तो इस तरह के सिम्टम हैं, और इनमें से अगर आपको 4-5 सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं आपको या फिर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को, तो ऐसा ना हो पहले तो वही बेहतर है कि ऐसे सिम्टम किसी के अंदर ना आए। अगर इनमें से कुछ सिम्टम मिल रहे हैं तो आप जाके अपनी जाँच करवा सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इससे बचा जा सके, ठीक है। रिस्क फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि बीमारी को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और साथ में अगर ये बीमारी लग गई तो आपकी जो बीमारी है वो स्पीड से बढ़ जाएगी। रिस्क फैक्टर में इसमें बड़े बड़े से पढ़ देता हूँ, जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, जैसे HBV और HCV, अगर वायरल हेपेटाइटिस हुई है, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी जिसको काला पीलिया बोलते हैं, अगर ये पेशेंट को है तो वो कंडीशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी स्पीड से, क्योंकि उसमें लीवर हमारा बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर लीवर सिरोसिस हुई है उस वाले केस में हम देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ है अगर पेशेंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ख़राब बीमारी है, हमारे शरीर को अंदर से वो ख़राब करती रहती है, और अगर पेशेंट अपनी शुगर को मेंटेन रखे वो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो डायबिटीज़ वाले केस में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ क्या होती है, जो रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं लीवर कैंसर को, और वो बिना, अगर उसने शराब भी नहीं पी है लेकिन उसका लाइफ स्टाइल की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये भी आ जाएगा दोस्तों इसमें, जो लोग शराब पीते हैं तो उनके साथ भी ये समस्या हो सकती है और वो बढ़ सकती है। प्रिवेंशन क्या करना है भाई, अपना जो वेट है उसको मेंटेन करके रखना है, और ड्रिंकिंग पैटर्न जो है आपको बदलना है, अपना ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से आपको बचाव करना है, इसलिए आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो इसका आप ट्रीटमेंट ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और लीवर सिरोसिस की जाँच होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपके अंदर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो। इसको कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए इसमें 3-4 मेथड, आप सीटी स्कैन करा सकते हैं अपनी, आप एमआरआई करवा सकते हैं, और इसमें बाद में जाके आप अपनी बायोप्सी भी करवा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों लीवर कैंसर के सिम्टम जो मैंने आपको इसमें शॉर्ट में ही बताए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।